केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में 15 जुलाई से 18 वर्षों से ज़्यादा उम्र के लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाए जाने के निर्णय का आम जन ने स्वागत किया, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। ने फिर एक बार जब कोविड हल्का हल्का सा फैलने लगा है कुछ प्रदेशों में और कुछ देशों में जो है इसका जो है संक्रमण फिर फैलने लगा है, तो बूस्टर डोज की यदि आवश्यकता हुई और सभी जो है स्वास्थ्य परीक्षण करवा करके लोगों को लगा कि एक बूस्टर डोज लगनी चाहिए, तो आज जो है ये कैबिनेट ने फैसला किया कि 15 जुलाई से 18+ के सभी लोगों को बूस्टर डोज फिर जो है मुफ्त में लगेगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। इस निर्णय का, प्रधानमंत्री निर्णय का, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के पूरे देश का जो स्वास्थ्य में ध्यान रखा है इसके लिए प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरे साथ साथ सभी देशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आज एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जिस प्रकार उन्होंने बूस्टर डोज को फ्री किया है, वह बहुत ही गरीब या बहुत ही जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो 300-400 रुपये खर्च नहीं कर सकते, उन लोगों को भी फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसी प्रकार मोदी जी ने कोविड में जिस तरह से पूरे देशवासियों के साथ सभी के सहयोग से जिस तरह से लड़ाई लड़ी वो बहुत ही सराहनीय थी। आज जो मोदी जी ने ये फ्री डोज बूस्टर डोज को फ्री किया है, इसके लिए भारत सरकार और मोदी जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इससे युवाओं को और जो कोरोना योद्धा बाहर काम कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जहाँ चार्ज लग के लोग करवाते थे लगवाते थे वहाँ कालाबाजारी होती थी, बहुत सारी जगह उपलब्ध नहीं होती थी तो परेशानी का सामना होता था। अब फ्री लगने की वजह से हर आदमी इसको आसानी से लगा लेगा, इसलिए एक बार मोदी जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।